हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 ऑफ यूज़ ऑफ ए एंड एन। यूज़ ऑफ ए एंड एन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। तो देखो बच्चों, जहाँ पे हमारी जो जो वर्ड की जो साउंड है वो हमारी कॉन्सनेंट से मैच करती है, तो हम वहाँ पे ए पुट करते हैं। अगर हमारी जो साउंड है वो वॉवल से मैच करती है तो वहाँ पे हम एन लगाते हैं। जैसे ए लैम्प, तो एन आइसक्रीम। जो इसको पूरी देखो, आइसक्रीम, आइसक्रीम आ की साउंड आती है, इट मीन्स क्या वॉवल है, तो यहाँ पे एन लगाते हैं। डैश मंकी, मंकी में मै की आवाज आती है, इट मीन्स क्या, ये कॉन्सनेंट, तो यहाँ पे ए आएगा। इग्लू एन। तो इस तरह जो हम पढ़ना आगे, उसके बाद आगे एन एग, एन एप्पल, अ कप, अ काइट, अ बैग, एन ऑक्टोपस। तो इस तरह आपने इसको रीड करके देखना है। और उसके बाद में एन अम्ब्रेला, अ फ्रॉग, अ ड्रेस, एन आंट, अ गर्ल, एन एलिफेंट। तो ये जो लेसन है, आप से बच्चों को जो आपकी इंग्लिश की जो नोटबुक आपने लगा रखी है उसके ऊपर जो है अच्छी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपने राइट करना है। और उसके बाद में जो ये बुक वर्क है, आपको जो फिलअप जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर आपने ए और एन का यूज़ करते हुए इसको राइट करना है। ध्यान रहे बच्चों, सिर्फ आपने पेंसिल से ही लिखना है, न कि पेन से। बुक में किसी तरह से आप पेन का यूज़ नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।